ऑस्ट्रेलिया बच गया बस, कोई मैच तो गया ना 100 ओवर पूरा 100 ओवर और लास्ट बॉल पे भी जिंदा जो आपने कहा ऑस्ट्रेलिया बच गई, बॉलिंग पर भी बची है, बैटिंग पर भी बची है। लास्ट ओवर में 18 रन थे ना, पहली सिंगल ली ना बोल्ड। अच्छा ठीक है, सिंगल हुई, 5 रन आए तो 4 बॉल में 13 जिमी नीश, मतलब देखो ऑस्ट्रेलिया ने जो लास्ट 2 दुक्के जो मतलब आउट ऑफ द स्किन जो फील्डिंग की है वो मैच साहब भी तो कुछ तरीके जो मर्जी कह लो, इस वर्ल्ड कप का सबसे एक्साइटिंग मैच 388-383 और कल वाला मैच और आज वाला मैच, और मुझे उम्मीद है हो सकता है कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी इसी तरह का टाइट मैच हो। और ऑस्ट्रेलिया जो है फिलहाल पॉइंट्स टैली पर पहुंच गया है 4th ही नंबर पे शायद, क्योंकि उनका नेट रन रेट का इजाफा बहुत ज्यादा नहीं हुआ। न्यूजीलैंड तीसरी पायदान पर ही रहे। मनोज समीकरण क्या है, क्योंकि अभी 1-2-3-4 मुझे लगता है यही 1-2-3-4 होने चाहिए। साउथ अफ्रीका एक है, साउथ अफ्रीका ने लेकिन एक मैच ज्यादा खेला है, वो एक हारे हैं। इंडिया कोई भी मैच नहीं हारा है, इंडिया का कल दूसरा मैच है, छठा मैच है और इंडिया दूसरी पायदान पर है। फिर तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड जो अब 2 मैच हार गए लगातार, 6 में से 2 मैच हार गए गलत टाइम पर मोमेंटम एग्जैक्टली, हालांकि वो बड़ा क्लोज लेके गए इस मैच दोनों मैचेस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ये लगातार चौथी जीत दर्ज की है। तो सर समीकरण के लिहाज से है ना कि अगर आप इन चार के बाहर कोई टीमों को सोच रहे हो तो उनका यही एक मोटो है कि भाई या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सारे मैच हार जाए, इंडिया और साउथ अफ्रीका आपको बिल्कुल लगती नहीं आ रही कि वो ऐसी टीम है। यहां से भी अगर ऑस्ट्रेलिया सारे हार जाए, ऑस्ट्रेलिया के 3 तो मैच रह गए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों में से कोई भी एक हारती है देन जो है पाकिस्तान या इंग्लैंड किसी तरीके से कैलकुलेशन में ऑस्ट्रेलिया को अपने